इससे कोई नहीं है, बाउंड पार वगैरह हो जाता है, जैसे बाहर से मैदान में आ जाते हैं और सुरक्षित हो जाता जी। और पानी पानी भी मतलब जो है टंकी क्या आपके हैंडपम्प नहीं लगा हुआ है? हैंडपम्प लगे हम लोग, थोड़ा खराब हो गया पानी भी। तो यहाँ के आपके विभाग के सर जो है कर्मचारी या जो योग रोगी आते हैं उनकी पानी व्यवस्था कहाँ से होती है? बगल से ही, बगल में है नहर पे, वहीं से पानी लिया जाता है। नहीं किसके पड़ोस कहाँ पे? हाँ वैसे सामने मतलब किसी पड़ोसी के यहाँ से पानी लेते हैं। ये आपने शासन को लिखा कभी ऐसा कि यहाँ पे पानी व्यवस्था नहीं है? मतलब पानी ठीक करवा दिया। नहीं आपने 2009 से आप यहाँ पे हैं? नहीं जल्दी खराब हुआ, अभी चल रहा था जी। खराब हुआ है। अच्छा बाउंड्री क्या स्थिति है कि आप चाह रहे बाउंड्री? बाउंड्री जैसे चारों तरफ बाउंड्री हो जाता है तो बारिश ध्यान में नहीं आते जी। ये अस्पताल सुरक्षित हो जाता है, हो जाता है लोगों का। रात में लोग आते हैं, तरह तरह के लोग यहाँ आते हैं, बाउंड्री वाले हाँ हाँ कुछ नशेड़ी टाइप के चोर लोग इस तरह से जो है राज निकलने वाले आ जाते हैं जी जी। हाँ दरवाजे खिड़की भी मतलब आपके सुविधा क्या क्या है? हमारे यहाँ काला दवाई है, काला मरीज है जी। टैबलेट का अस्पताल है। तो कितने पेशेंट आपके यहाँ लोग आते होंगे? डेली आ जाते हैं। क्या आपके यहाँ एक्सरे और सारी सुविधाएं आपके यहाँ है? एक्सरे है मतलब वो पड़ा हुआ है। क्यों वगैरह नहीं है? तो आपने शासन डिमांड नहीं किया कि यहाँ पे पिक्चर नहीं हुआ मसीह आप या मतलब जिस तरह से भी आपके पास 25 बेड है तो यहाँ क्या क्या व्यवस्था है? महिलाओं की क्या व्यवस्था है और उसके क्या व्यवस्था है? एडमिट होने की आवास के लिए लग जाता जी। तो आवास लग जाता तो यहाँ रहने की सुविधा हो जाती है। तो क्या डिलीवरी सेवा व्यवस्था आपके यहाँ है? डिलीवरी व्यवस्था है बच्चों की, जैसे महिलाओं की जो है गर्भवास मतलब प्रेगनेंट होती हैं तो बच्चा पैदा होता है या कुछ ऐसी व्यवस्था है? हाँ जैसी सुविधा होती है उस हिसाब से क्या हम भर्ती करते हैं मशीन क्या जाता है? तो डॉक्टर क्या रात भर यहाँ रहते हैं? रात भर तो नहीं रहते लेकिन जैसे उसकी होती है। भाई जब आपने पेशेंट अगर यहाँ भर्ती हो गया उसको दो दिन आपने भर्ती कर लिया तो उसकी व्यवस्था क्या करते हैं आप? नहीं एमरजेंसी तो जैसे हमारे यहाँ आयुर्वेदिक जी एमरजेंसी होता है बोतल वगैरह चढ़ा देते जी। तो ये क्यों नहीं आपके यहाँ है? अभी सरकार तो आपके यहाँ मतलब तमाम सुविधाएं होते हुए कुछ भी मतलब टेक्नीशियन नहीं है और आपके यहाँ रूम नहीं बने हैं कि साथ जी पूरी तरह से रूम नहीं बने हैं जिससे यहाँ पे एडमिट किया जाए लोगों को? कमरे तो है जी लेकिन और सुविधाएं नहीं है जी। पानी वगैरह अंदर नहीं है जी, दिक्कत होती जी जी। जैसे अंदर टुल्लू लग जाता तो जी जी आता है टुल्लू में पानी पानी बात कर जी जी जी। ओके देखो मैं हाथ दिखा रहे थे हाथ देखा करो देखे हाँ कितने दिनों से ट्रीटमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल हो रही है जैसे पेशेंट को एडमिट करना है जी। तो एडमिट नहीं कर पाते हैं हमारे पास सुविधाएं नहीं है एडमिट करने के लिए। जैसे थोड़ी देर के लिए तो हम एडमिट कर लेते हैं जैसे मान लीजिए ब्लीडिंग का केस है तो हम थोड़ी देर के लिए एडमिट कर लेते हैं लेकिन फिर 2 बजे के बाद हम नहीं रख पाते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है, पानी की सुविधा नहीं है, डिलीवरी नहीं करा सकते हैं, पानी की सुविधा नहीं है, बिजली की सुविधा नहीं है, नियर बाय बिजली भी गायब ही रहती है, खराब हो जाती है, वैसे तो रहती है खराब हो जाती है। तो क्या शासन को आपने लिखा कि यहाँ पर डिलीवरी व्यवस्था होना चाहिए और यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है लिखा शासन को? क्योंकि हमारे पास बाउंड्री वॉल नहीं है कुछ नहीं है और यहाँ जंगल में हॉस्पिटल है ना आने का रास्ता है ना कुछ है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो हमारे आने का रास्ता होना चाहिए, इसकी बाउंड्री होनी चाहिए, पानी की सुविधा होनी चाहिए तभी हम यहाँ कुछ ज़्यादा काम कर सकते हैं। और उसके बाद दवाएं भी पर्याप्त या समय नहीं। अभी हमने देखा डॉक्टर की कुछ पेशेंट आए हैं अश्वगंधा और क्या क्या दवा लेके आपके पास और इसकी कमी क्या है, कहाँ से कमी होती है? इस समय हमारे पास दवाओं की बहुत शॉर्टेज है, दवाएं नहीं आ रही जी, दवाएं बहुत कम है, जो दवाएं हैं
उन्हीं में हम काम चला रहे हैं इसी तरह से। अच्छा, अगर आपके यहाँ डिलीवरी व्यवस्था होनी हो और कैसे करेंगे, कैसे व्यवस्था होगा, आप क्या करेंगे, क्या व्यवस्था किया जाए कि आपके यहाँ व्यवस्था हो जाए, कहाँ से कमी होगा ये? देखिए, सबसे बड़ी बात तो हमारे यहाँ पहले आप बाउंड्री बनवाइए, बाउंड्री बने, फिर उसके बाद पानी की सुविधा हो, दवाओं की सुविधा हो, फिर तो हम वो कर ही सकते हैं, कोई परेशानी थोड़ी है करने में। फिर क्या कर्मचारी बढ़ाना पड़ेगा आपको, डॉक्टर बढ़ाना पड़ेंगे? नहीं, हम कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। जब नाइट्यू लगेगी लोगों की तो जब भर्ती होंगे तब तो डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी, जैसे नाइट ड्यूटी लगती है तब तो एक डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी, महिला डॉक्टर एक और होनी चाहिए या जेंट्स होना चाहिए, क्योंकि जो लाइट में रहेगा शिफ्ट तो चेंज करनी पड़ेगी। कितने बेड आपके यहाँ है? 25 बेड में आपके क्या कभी ऐसा होता है कि कुछ भर्तियाँ होती हैं इधर उधर से मोहल्ले के वजह से? आप यहाँ किस पोस्ट पे हैं? हम वार्ड बॉय पोस्ट। वार्ड बॉय, तो ये गंदगी कहाँ से आती है, आपके यहाँ निकलती है? नहीं, हमारे यहाँ चिकित्सालय कोई कचरा नहीं है। तो ये कैसे आ जाता है यहाँ पे? ये इधर उधर आस पास से आता है। अच्छा, तो मतलब ये हॉस्पिटल का नहीं है गंदगी, अब पड़ोसियों का तो गंदगी फेंक देते हैं यहाँ पे, क्योंकि बाउंड्री की कमी की वजह से होता है। बाउंड्री और हो जाए तो सारी व्यवस्था ना हो पाए। तो ये समस्या यहाँ पे, फिर मैं कर्मचारी से हमने राम जी से बात किया कि यहाँ पे बाउंड्री ना होने के कारण लोग जो है उसकी सुविधा जो है असुविधा ले लेते हैं यहाँ पे कूड़ा फेंक करके। और निश्चित है यहाँ पे देखिए गैराज भवन दिखाई पड़ रहा है, और गैराज भवन है लेकिन गैराज नहीं है। पेशेंट को कहाँ से ले जाएँ, कैसे लेके आएँ, कैसे पहुँचाएँ, और तमाम देखिए अभी यहाँ की बाउंड्री जो आप देखें, छत को देखें तो लग रहा है कि सालों से जो है कोताही नहीं हुई है। ये सारी चीज़ें एक अपने जो है स्वास्थ्य विभाग की एक कमी बता दीजिए, इसलिए जो है इस कारण से सारी व्यवस्थाएँ अवरुद्ध हैं। और निश्चित डॉक्टर साहब यहाँ पे क्या बता रहे थे हमसे कि कोई व्यवस्था यहाँ नहीं है, और उसके कारण से मरीज जो जाते भी हैं 40-50 मरीज, उनको दवा नहीं उपलब्ध हो पा रही है, बहुत समस्याएं हैं। इस पर योगी जी निश्चित ध्यान देंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। मैं अध्यक्ष नीरज श्रीवास्तव, हमारे घर धर्मेंद्र सिंह जी।